So our topic will be triangle law of vector addition. Triangle law of vector addition theory we have covered already, but I will explain it again. Suppose आपके पास दो वेक्टर है, लेट्स से दिस इज अ वेक्टर ए एंड लेट बी दिस पॉइंट आई एम टेकिंग अनदर वेक्टर, मैं यहाँ पर एक और वेक्टर ले रहा हूँ, लेट वो क्या है बेटा बी, ठीक है. बट सिंस इन ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आई हैव टू टेक टू साइड ओनली, सो आई विल टेक अनदर वेक्टर इन द डायरेक्शन विच विल स्टार्ट फ्रॉम हियर सच दैट द टेल ऑफ द वेक्टर बी कंसाइड विद द हेड ऑफ द वेक्टर ए. सो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड जो कि सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर मतलब जैसे यहाँ पर ये खत्म हुआ यहाँ पर ये शुरू हो गया, इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर. अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय द टू वेक्टर्स टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड ऑफ दैट ट्राइंगल विल बी इंडिकेट या विल इंडिकेट द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी. यानी कि किसी ट्रायंगल में मान लीजिए अगर दो साइड किसी दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर. सो आई कैन राइट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. बट टुडे वी विल लर्न कि हम आर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों के बीच में लेट्स से सपोज कुछ एंगल है थीटा, तो इनको हम कैसे फाइंड करेंगे, दैट वी विल ड्राइव टुडे. ओके, रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है. एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ. सपोज करो आपके पास वेक्टर ए ऐसे है और दिस इज योर वेक्टर बी, ठीक है बेटा. ऐसे भी हो सकता था कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे पर लेट्स से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा, और मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है इनका रिजल्टेंट. तो हम ये फिगर भी कंसिडर कर सकते हैं. अब मैंने क्या क्या है यहाँ पर कि जस्ट आई हैव शिफ्टेड द पोजिशन ऑफ वेक्टर बी, मैंने इसको रिप्लेस करके वेक्टर बी को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है इस पॉइंट पर. तो मैंने आपको बताया ना वेक्टर को डिलोकेट कर सकते हैं कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंगल चेंज, एंगल और मैग्नीट्यूड को सेम रख करके वी कैन डिलोकेट अ वेक्टर. तो ये वेक्टर बी बी ही होगा, कैन वी से सो. मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल चेंज नहीं करा है, तो स्टिल जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है इसी फिगर को मैं इस तरह से भी बना सकता हूँ. इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ वेक्टर ए को, तो दिस एंगल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, लेट्स से ये सेम पॉइंट है ना, ये सेम पॉइंट है, और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस पॉइंट पर, ये वाला. ओके, बी बी एक्चुअली में बेटा ये वाला वेक्टर है बी, मैं बी को रेड से दिखा देता हूँ यहाँ पर. एक्चुअली बी ये है, आई विल टेक योर डाउट जस्ट अ मिनट. ओके, तो इस फिगर में कोई कंफ्यूजन यहां तक, देखो वेक्टर आपके दो वेक्टर इस तरह से भी हो सकते थे ए और बी, और वो ऐसे भी हो सकते ए या बी, ठीक है. स्टिल दोनों के बीच का एंगल हमें देखना है वो थीटा है. तो मैंने क्या करा, इसी फिगर को इस तरह से बना दिया है. सो दिस इज द सेम फिगर आई कैन से, जहां पर मैंने वेक्टर बी को डिलोकेट करके इस तरह से डिलोकेट कर दिया है ताकि मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकूं, सच दैट कि जहां पर बी वेक्टर का टेल है वो ए वेक्टर के हेड से कंसाइड हो रहा हो. तो फिगर में कोई डाउट अभी तक, और इज इट क्लियर? क्लियर है सर. ठीक है बेटा. नमस्ते. ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर मेरा आर रिजल्टेंट वेक्टर है. अब मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाला है, तो ये एंगल हो जाएगा बेटा 90 डिग्री. ये वेक्टर ए ही है आगे की तरफ. अब इसको कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से पॉइंट ओ, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू एंड पॉइंट आर, ठीक है. मुझे निकालना है वेक्टर आर. तो अब आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पर, ट्राइंगल ओ पी क्यू, क्या मैं कह सकता हूँ ये राइट एंगल ट्राइंगल है? हाँ सर. ठीक है. Yes, sir. अगर ये राइट एंगल yes, है तो OP का स्क्वायर, क्या मैं कह सकता हूँ OP का स्क्वायर बराबर होगा OQ के स्क्वायर के बराबर प्लस PQ के स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम? Yes, sir. ठीक है. ओके, अब आप एक बात बताना मुझे,
अगर मैं वेक्टर बी का ये इधर कंपोनेंट देखूं, क्या मैं इसको बी कॉस थीटा लिख सकता हूं क्या, इधर वाला कंपोनेंट वेक्टर बी का? जैसे ये वेक्टर बी है इधर, तो इसका एक्स कंपोनेंट बी कॉस थीटा हो जाएगा ना, रिजोल्यूशन मैंने आपको बताया होगा, जिस एंगल के साथ थीटा बना रहा होगा ये बी कॉस थीटा आ जाएगा। इज दैट क्लियर? मैं अलग से बना देता हूँ, मान लो कोई वेक्टर बी है और ये यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस थीटा, और ऊपर वाला कितना होगा, ये वाला, अगर ये बी कॉस थीटा है तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, साइन थीटा। बिल्कुल सही जवाब, तो बी साइन थीटा इसका ये आंसर हो जाएगा। ओके, इसका मतलब जैसे ये वेक्टर बी आपको दिख रहा है ना, तो मैं कह सकता हूँ आर से क्यू तक की वैल्यू, या मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना देता हूँ ताकि बी कॉस थीटा होता हो। हाँ बेटा, ये वाला आर क्यू को मैं लिख सकता हूँ क्या बी कॉस थीटा? कैन वी से आर क्यू विल बी इक्वल टू बी कॉस थीटा? इज दैट क्लियर? अब इस ट्रायंगल के पॉइंट्स का नाम वापस लिख दो एक बार, कंफ्यूजिंग हो रहा है। हाँ, मैं वही कह रहा था, इसको मैं थोड़ा सा चेंज ही कर लेता हूँ क्यू को। लेट इसको आप बता दो क्या नाम दूं, इन इन पॉइंट के अलावा कुछ भी आप कह सकते हो। एम ले लेते हैं, एम एन, ठीक है ना, तो ओ एम, ओ एम, तो मैं इसको क्यू को सब जगह रिप्लेस कर देता हूँ। सर इसमें जो बी है कॉस थीटा में, अच्छा नहीं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी, और एंगल थीटा है सर, मतलब बी कांस्टेंट है ना? यस, उसका मैग्नीट्यूड, हाँ, जैसे कोई वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी है। तो यहाँ तक कोई डाउट बेटा अभी तक? आई हैव रिटन OP इक्वल टू OM प्लस PM का होल स्क्वायर। अच्छा, एक पॉइंट और मैं चेंज कर देता हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, इसको भी मैं चेंज कर रहा हूँ बेटा। मैं इस पॉइंट को मान रहा हूँ लेट से N, अब कोई दिक्कत यहाँ तक, क्योंकि R तो हमारा रिजल्टेंट है, तो NM की वैल्यू अगर मैं बी कॉस थीटा लिखूं कोई दिक्कत तो नहीं है, और अगर मैं PM की वैल्यू लिख सकता हूँ बी साइन थीटा, is there any problem अगर मैं PM को B sin theta लिखूं तो, क्योंकि B का ये वर्टिकल कंपोनेंट ही तो है, तो चाहे मैं वर्टिकल कंपोनेंट B से यहाँ पर बनाऊं या उसी को मैं आगे शिफ्ट करके यहाँ बनाऊं, बात तो वही है, रहेगा तो B sin theta ही। Yes or no? Can I write PM as B sin theta? Yes sir. ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर और जो कंस्ट्रक्शन और जो हमने काम किया है वो सबको क्लियर है। कैन आई प्रोसीड इट नाउ? चिराग दुबे, एक चीज पूछनी थी कि हमने ये साइन थीटा और कॉस थीटा वाला पहले पढ़ा है क्या? हाँ बेटा, रिजोल्यूशन में मैंने करवाया था, जैसे कोई वेक्टर मान लो वी वेक्टर है, वेलोसिटी है, तो उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक थीटा इधर वी कॉस थीटा हो जाता है ये, और ये वाला वी साइन थीटा हो जाता है। पर ऐसा तो सर आपने नहीं बताया। चलो अगर नहीं भी पढ़ा था आपको अभी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दो एक मिनट में आ जाएगा पूरा। इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखो मान लो कि आपके पास कोई वेक्टर v है इधर, ठीक है, और उसका लेट से यहाँ पर एक कंपोनेंट ये एंगल थीटा है, आपको भी खुद लॉजिक से आ जाएगा। तो इसका एक कंपोनेंट होगा लेट ये vx और ये vy, ऐसे तो पता है ना, कोई भी वेक्टर को मैं दो कंपोनेंट में लिख सकता हूँ, v इक्वल टू yes, i कैप प्लस vy j कैप, कैन आई राइट सो? ये तो हमने करा है, ठीक है बेटा। yes. अब अगर yes. मैं मान लो इसको vx को शिफ्ट कर लूं, तो vx को मैं ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये भी तो vx ही हो गया, डीलोकेटिंग ऑफ वेक्टर। अब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा oab, इस राइट एंगल ट्रायंगल में इन ट्रायंगल नीचे vx है, ऊपर vy होगा, vy होगा, वो भी vy है, मैं इसको ठीक कर देता हूं, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो vy है। अब इन ट्रायंगल oab, ट्रायंगल OAB में सपोज दिस इज V, मैं V और VX में कोई रिलेशन लिख सकता हूँ क्या? बाय यूनी एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, V मेरा हाइपो हो गया, VX बेस हो गया, इन दोनों में कोई रिलेशन आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन साइन कॉस टेन क्या यूज करना चाहिए? कॉस थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है? बेस अपॉन हाइपो, तो कैन आई राइट VX इक्वल टू V कॉस थीटा? सिमिलरली एक रिलेशन बताओ वीवाई और वी में बाय यूजिंग एनी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो,
सो वी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी साइन थीटा। बेटा यही काम मैंने यहाँ पर किया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ। जैसे ये वेक्टर बी है तो इसका ओरिजेंटल कंपोनेंट आ जाएगा बी कोस थीटा, मतलब जिसके साथ ये एंगल बना रहा होता है ना वो आ जाता है कोस थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट बचा वो आ जाता है साइन थीटा। अभी के लिए इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सर बाकी सब समझ में आ गया सर, पर जो ये ग्रीन पिंक येलो वाली जो आपने ड्राइंग बनाई ना सर, मैं उसको वो वाली समझ नहीं आई सर, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। रिजोल्यूशन आगे समझ में, रिजोल्यूशन कैसे करते हैं? हाँ सर ये सब समझ में आ गया। एक और छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो ये वेक्टर ए है तो इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा ए कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा ए साइन थीटा। बस ये ध्यान रखो ए साइन थीटा, जिससे एंगल बन रहा हो, जिससे थीटा बन रहा हो वो कोस थीटा होगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट जो दूसरा वाला कंपोनेंट हो गया वो साइन थीटा हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बता देता हूँ। देखो नेक्स्ट पॉइंट, जो चीजें इरेज कर सकते हैं वो मैं कर रहा हूँ। ये चीज आप साइड में लिख लिया आपने, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लिख लीजिए इसको। सो नाउ कैन आई राइट दैट ओपी, ओपी इज व्हाट, आर का स्क्वायर। ओएम, क्या मैं ओएम को इस तरह से लिख सकता हूँ, ओ एन प्लस एन एम। रीजन बताता हूँ क्यों। ON किस, ON का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जो A का मैग्नीट्यूड है यानी कि A, और MN का मैग्नीट्यूड B cos थीटा, तो मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। PM को मैं क्या लिख सकता हूँ, B sin थीटा, ठीक है, PM का स्क्वायर वो मैं लिखूंगा अभी। तो क्या मैं कह सकता हूँ R स्क्वायर विल बी इक्वल टू OM की, ON की वैल्यू कितनी A, प्लस NB की वैल्यू कितनी B cos थीटा का होल स्क्वायर, प्लस PM पर आ जाओ, PM कितना हो जाएगा बेटा, PM यानी कि B sin थीटा का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? sin थीटा छोड़ दो, क्या बेटा sin थीटा ही है, तो sin थीटा ही है ना, sin स्क्वायर थीटा लिख दिया है। ओ सॉरी, यस मैं इसको ठीक कर देता हूँ, sin थीटा। यहाँ तक और कोई डाउट, सब ठीक है, कैन वी प्रोसीड नाउ? यस हाँ सर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक और चीज यहाँ पर मिस कर दी, मैं इसको दोबारा लिखूंगा यहाँ पर, देखो बेटा यहाँ पर b cos थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये पूरे का होल स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, ये लिखना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप दो टर्म को यहाँ पर ध्यान से देखो तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से, तो r स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, हाँ a स्क्वायर प्लस, जब आप b स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस में क्या बचेगा 2ab cos थीटा। अब आप सबको ये आइडेंटिटी तो पता है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है, यस सर। तो r स्क्वायर इक्वल टू आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, या फिर r को आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। So this is our magnitude for the resultant vector. यानी कि resultant vector सिर्फ A और या B पे depend नहीं कर रहा है, इसके साथ साथ वो उनके बीच का angle कितना होगा, vector A और vector B के बीच के भी angle कितना होगा उस पर भी ये depend करेगा। हम result पर बात करेंगे, पहले आप बता दीजिए derivation clear है आप सबको, कैसे आया ये? Yes sir, A square plus B square multiplied by sin square theta plus cos square theta लिखा है, ये ऊपर होल स्क्वायर है पूरा, यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है, एक मिनट में बताता हूँ इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर यहाँ पर है बेटा, बी स्क्वायर बाहर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, इसको वन किया है सर। हाँ बोलो। तो सर थोड़ा समझ नहीं ऐसे, ये r² = ये वाला कैसे हुआ?
जस्ट वेट अ सेकंड, कहां तक समझ में आया वो बता दीजिए सर। इसके जस्ट पहले तक समझ में आ गया था। यहां तक सब क्लियर है? ठीक है, अब yes, हाँ, अब बी स्क्वायर को एक साथ लिख लो पहले, तो जो भी जितने भी बी स्क्वायर दिख रहे हैं, एक तो ये वाला दिख रहा होगा आपको, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक इसको और इसको एक साथ लिख लो बेटा। yes, sir. तो बी स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके सर, ठीक है, बचा क्या, टू ए बी कोस थीटा बच रहा है अभी भी। ओके सर, तो ये आइडेंटिटी पता है हमें, वन होती है, सो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा आएगा। ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा। सो विल डिस्कस दिस रिजल्ट इन डिटेल, पहले आप डेरिवेशन एक बार अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट तो नहीं है।